आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या आमुख, जिसे अंग्रेजी में प्रीएम्बल भी कहा जाता है, उसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। अगर प्रस्तावना की परिभाषा की बात की जाए तो किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाले संक्षिप्त अभिव्यक्ति को प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया, इसके बाद भारत के संविधान में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका विकसित रूप प्रस्तावना है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अगर प्रस्तावना में लिखी हुई भाषा की बात की जाए तो उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में कई उपबंध जोड़े गए और कई उपबंधों में परिवर्तन किया गया। अगर प्रस्तावना के बारे में विवादों की बात की जाए तो उसमें सर्वप्रथम ये विवाद उभर के आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णयों में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा, भले प्रस्तावना को अलग से पारित करके संविधान में जोड़ा गया हो, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग है, कि प्रस्तावना के द्वारा कई विवादों और निर्णयों की व्याख्या होती है। इसके साथ ही साथ प्रस्तावना द्वारा ये पता चलता है कि राष्ट्र क्या उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया है, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में 1973 में संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या की और पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया। इसके बाद अगर ये बात उभर के आती है कि संविधान में प्रस्तावना को बनाने के लिए किसकी भूमिका है, तो इस बारे में संविधान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका की बात की गई है, साथ ही साथ भारतीय जनता की भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना को बनाने में भूमिका की बात की गई है। इसके बाद प्रस्तावना के अगर उपयोगिता की बात की जाए तो सबसे पहले उपयोगिता यह है कि संविधान के स्रोत का परिचय प्राप्त करने में प्रस्तावना की उपयोगिता है कि संविधान का स्रोत क्या है। अगर संविधान का स्रोत की बात की जाए तो इसमें एक शब्द आता है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का अर्थ है कि इस प्रस्तावना को बनाने में भूमिका भारत के लोगों की है, अर्थात तत्कालीन आम जनता की है, और यह एक लोकतांत्रिक पक्ष को भी प्रस्तुत करता है। और विवाद उभर के आया कि संविधान निर्माण का स्रोत भारत की जनता है कि संविधान सभा है। तब इसके बारे में तर्क यह दिया गया कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं प्रति 10 लाख की जनता पर मनोनीत किए गए थे, इसलिए भारत की तत्कालीन जनता की इस प्रस्तावना के निर्माण में या संविधान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है, भले ही संविधान सभा के सदस्यों ने इस प्रस्तावना या संविधान को तैयार किया हो। इसके बाद भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति को जानने में भी प्रस्तावना की उपयोगिता उभर के आती है। भारत का राज्य एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न टोटल सोवर्जियन राज्य है, अर्थात
भारतीय राज्य या भारतीय राष्ट्र किसी भी बाह्य शक्ति के प्रभाव में नहीं है, ना ही वो किसी बाह्य शक्ति के कानून को या संस्था के कानून को मानने के लिए बाध्य है। इसमें अपवाद स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनके जो कानून या नियम या संधियां होती हैं उनको लगभग प्रत्येक देश मानता है, लेकिन इससे भारतीय राज्य के प्रभुत्व संपन्न ना होने या होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद इसमें एक विवाद उभर के आया कि अगर भारतीय राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो भारत ने राष्ट्रकुल की सदस्यता क्यों ली है। राष्ट्रकुल उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम देश थे या उनके उपनिवेश थे, उन स्वतंत्र देशों का समूह राष्ट्रकुल कहा जाता है। लेकिन भारत ने इस बारे में तर्क दिया है कि भारत राष्ट्रकुल की सदस्यता कभी छोड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रकुल के सदस्य होने के कुछ फायदे हैं, जैसे भारत के संबंध राष्ट्रकुल के अन्य सदस्यों सामाजिक आर्थिक व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहते हैं, जिससे देश को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन हासिल करने में फायदा होता है। उसके बाद प्रस्तावना की उपयोगिता ये आती है, प्रस्तावना ये व्याख्या करती है भारत एक समाजवादी राज्य है। समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से समाजवादी देशों जैसे रूस से प्रभावित होकर भारतीय प्रस्तावना में शामिल की गई थी। जो भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था है वो समाजवादी आर्थिक व्यवस्था है, इसमें गांधीवाद और मार्क्सवाद के जो सकारात्मक तत्व हैं उन्हें जोड़ के भारतीय समाजवादी अर्थव्यवस्था की रचना की गई है। लेकिन 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ नरसिम्हा राव सरकार में, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया जिसमें LPG अर्थात निजीकरण और उदारवादी और भूमंडलीकरण की अवधारणा को स्वीकार किया गया, जिससे समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी भारत की उस पर चोट पहुंची और भारतीय अर्थव्यवस्था अब पूर्णतया समाजवादी ना होकर आंशिक रूप से समाजवादी है। इसके बाद इसमें प्रस्तावना में एक शब्द आता है या जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता, जिसे 1976 में जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन में। इसका अर्थ है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य धर्मों से पूर्णतः तटस्थ या न्यूट्रल रहता है। लेकिन अगर पंथ निरपेक्ष राज्य या राष्ट्रों की बात की जाए तो विश्व में दो प्रकार के पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार वाले पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, जिसे धर्मों के किसी मामले में कोई मतलब नहीं होता है और ना ही वह किसी धर्म के मामले में या उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करता है। भारत इस श्रेणी के पंथ निरपेक्ष राष्ट्रों में नहीं आता है। भारत दूसरे प्रकार के पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अर्थात उदारवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में आता है, जिसमें राष्ट्र या राज्य लगभग सभी धर्मों के धार्मिक क्रियाकलापों में खुलकर भाग लेता है और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज या इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ के मेले में सरकारी सहायता प्रदान करना, इसके अलावा मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाना। इसके बाद लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है वो प्रस्तावना में दी गई है। लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ होता है कि भारत का शासन भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता है, लेकिन कहने को ये कह दिया जाता है कि भारत का शासन भारत के लोगों द्वारा चलाया जाता है, लेकिन भारत का शासन भारत की जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं MP या MLA इत्यादि उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता शासन करती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में भाग लेगा या इलेक्शन में खड़ा होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था एक भीड़ तंत्र में बदल जाएगी, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा होगी। अतः भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र का शासन चलता है। इसके बाद प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य की बात की गई है, अर्थात भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राज व्यवस्था नहीं है। भारत में कोई भी नागरिक योग्यता के आधार पर किसी भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। तो ये तो प्रस्तावना और उसका सामान्य परिचय है।